नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत करता हूं आप सबको गैजेट जूनियर प्लेस चैनल पे एक नया प्रोडक्ट के साथ। आज मैं रिव्यू नहीं करने वाला हूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं। 6 महीने हो गया है मैं ये वाला प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूं। तो अगर आप मार्केट में एक इलेक्ट्रिक केटल के ऊपर सर्च कर रहे हो तो आपको खरीदना है, तो ओबियसली रिकमेंड करूंगा कि ये वाला वीडियो आप पूरी तरह से देख लो। मेरा जो एक्सपीरियंस है 6 महीना हो गया है ये वाला प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं ये आज बताने वाला हूँ क्या इसमें कुछ डिफेक्ट है या नहीं एंड इसमें कुछ अच्छा चीज़ है या नहीं, वो सब कुछ मैं डिटेल्स में यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और उसके इसके बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे आप पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि इसका आंसर देने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं ये प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा था एंड मेरा एक्सपीरियंस क्या था। बहुत रिसर्च करने के बाद मार्केट में मैंने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा था, क्योंकि अगर आप स्टील इलेक्ट्रिक केटल के ऊपर अगर देखते हो तो मार्केट में जो भी अवेलेबल है, अगर कुछ ब्रांडेड वाला अच्छा वाला ब्रांड अगर आप चूज़ करते हो तो आपको 1000 से 1500 या फिर 2000 के ऊपर आपको मिलेगा इतना कॉस्टली। तो अगर आप थोड़ा कम कॉस्ट में अगर खरीदना चाहते हो 500 600 700 के अंदर, तो बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उस पे कमेंट सेक्शन पे अगर आप उसका जो भी अमेजन और फ्लिपकार्ट में वो प्रोडक्ट के कमेंट सेक्शन पे आप देखो तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलता है एंड उसका जो भी रिटर्न प्रोसेस है वो इतना स्मूथ नहीं होता है। तो ये सब देख के मैं ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय प्रोडक्ट है, एक्चुअली मेरा ये फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ये पहला प्रोडक्ट था, तो 600 रुपये के अराउंड इसका कॉस्ट था। कोई ऑफर के साथ मुझे 450 रुपीज़ अराउंड पे ये मिल गया था एंड ये वाला मैं एक बार जो फर्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट मिला था उसको फर्स्ट रिटर्न करने के बाद ये सेकंड प्रोडक्ट मुझे ये मिला था, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोडक्ट आया था थोड़ा सा क्रैक था यहाँ पे ऊपर वाला जो प्लास्टिक के हिस्सा है यहाँ पे, तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया था एंड सेकंड वाला ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिला था। तो यहाँ पे कुछ मतलब डिफेक्टिव नहीं था एंड अच्छे से काम कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या क्या मतलब इशू है, जेन्युइन इशू इसका है। तो कमेंट सेक्शन पे आप यहाँ पे बहुत सारे ये प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव कमेंट्स देख सकते हो, और नेगेटिव कमेंट्स पे अगर आप डिटेल्स में जाओ तो देख सकते हो कि यहाँ पे लोग बोले कि इसमें थोड़ा प्लास्टिक का स्मेल आता है। तो हाँ, ज़्यादा गर्म अगर पानी इस पर करो, क्योंकि ये सर्टन पॉइंट के बाद कट ऑफ हो जाता है, तो अगर ज़्यादा गर्म करो तो यहाँ पे प्लास्टिक का स्मेल आता है थोड़ा सा, क्योंकि इसका जो कवर है यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टील का दिया गया है लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक के साथ अटैच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक का हिस्सा एक्सपोज होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा प्लास्टिक का स्मेल आता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं आता है। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि कमेंट्स में यहाँ पे प्लास्टिक का स्मेल आता है ये सच है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं आता है एंड ये भी बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद आता है। एंड दूसरी चीज़ है, लोग इसमें बोलते हैं कि इसमें ऑटो कट ऑफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑटो कट ऑफ सिस्टम दिया गया है। अगर आपके प्रोडक्ट में ये काम नहीं करता है तो मे बी ये डिफेक्टिव है एंड अगर इसका जो रिटर्न पॉलिसी है वो अगर 30 डेज अभी तक नहीं हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वाला प्रोडक्ट को आप रिटर्न करके दूसरा वाला प्रोडक्ट मंगा लो। इसका जो ऑटो कट ऑफ है वो पानी एक सर्टन पॉइंट पे अगर गर्म हो जाता है उसके बाद ही ऑटोमेटिक ये वाला जो स्विच है आप देख सकते हो वो ऑफ हो जाता है। तो ये अच्छे से ठीक से भी काम करता है, क्योंकि जब भी मैंने इसको यूज़ किया हूँ वो ऑटो कट ऑफ में ही फंक्शन कर लेता है एंड मैं इसको दिन में 3 बार 4 बार इसको यूज़ करता हूँ एंड ये अब तक अच्छे से काम कर लेता है एंड कुछ अभी तक कुछ इशू भी नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे और एक चीज़ भी अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से आप हाथ अंदर डाल के इसको साफ कर सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छा मिलता है। अगर ये थोड़ा सा छोटा होता, इसका जो मुंह है वो थोड़ा सा अगर छोटा होता तो यहाँ पे आप हाथ डाल नहीं सकते, और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे है कि आप इसको हाथ डाल के साफ नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट में ऐसा कुछ इशू नहीं है और आराम से आप इसको साफ कर सकते हो। एंड थोड़ा देर यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर थोड़ा सा हल्का सा पीला हो गया है, लेकिन मैं इसको अच्छे से साफ नहीं किया था इसीलिए शायद ये है। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर अगर बोलो तो कि जो ये प्लास्टिक नहीं है, वो यहाँ पे जो स्टील का मेटल यूज़ किया है हुआ है, तो इतना अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन इतना ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत थीन है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 500-600 रुपए के अंदर आपको इससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा। एंड इसका और एक इशू है, जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये हैंडल का ये वाला नीचे वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है यहाँ पे, आप अगर उसमें मैक्सिमम हीट पे है तो यहाँ पे जब होल्ड करते हो तो ये वाला हिस्सा आपको थोड़ा ज़्यादा गर्म लगेगा, तो ये मैंने ये वाला इशू यहाँ पे फेस किया हूँ। एंड अगर हाँ, और एक इशू है यहाँ पे नीचे, जब यहाँ पे आप पानी जब डालते हो तब ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे नीचे जाने के लिए थोड़ा चांस है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक
सर्किट है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट देख सकते हो, उसके अंदर अगर पानी जाएगा तो हाँ आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन भी ऐसे प्रोवाइड किया गया, अगर पानी नीचे गया तो यहीं पे आ जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर पानी इसके नीचे जा रहा है तो अच्छे से साफ़ करके उसके बाद आपको स्विच ऑन करना है। एंड अगर पानी 1 लीटर गर्म करते हो तो आप इसका जो कैपेसिटी है वो 1.5 लीटर का है। अगर 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए 1 से 1.5 मिनट तक ही टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। 1000 से 1200 वाट का पावर कंज्यूम करता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्विकली इसको ये पानी को गर्म कर लेता है। तो मेरे तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं रिकमेंड भी करूँगा आपको। अगर आपको कम कीमत में एक अच्छा वाला इलेक्ट्रिक केटल चाहिए तो ये वाला प्रोडक्ट को आप कंसिडर कर सकते हो। एंड दूसरे ब्रांड का भी प्रोडक्ट है, वो भी अच्छा हो सकता है, लेकिन कम प्राइस में मैं ये वाला प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो ऑब्वियसली ऑफकोर्स मैं आपको यूज़ आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से ये वाला प्रोडक्ट का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इसके बारे में कुछ चाहिए आपको जानकारी तो मेरा कमेंट सेक्शन पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा इसका आंसर देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।